मैं बता रहा था आपको कि अगर हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है फ्यूचर के लिए, जो भी है, कुछ प्लॉट खरीदे हैं और कुछ सोना घर पे रखा है, और हम साथ में बाद में सोच रहे हैं कि कुछ बिजनेस भी स्टार्ट करें, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको अगर कोई लोन दे रहा है बगैर इंटरेस्ट का, वो लेना हम डाले ठीक है, या पहले हम हमारी जो चीज़ें हैं जो हमने इन्वेस्ट करके रखी उसको बेचें, वो पैसा इस्तेमाल करें बिजनेस में, या हम लोन लेंगे? आपने पिछले जूम की बात की थी, अगर हम किसी से लोन लेते बगैर के इंटरेस्ट का भी लेते हैं तो हमको उसको देना और माइंड पे प्रेशर होता है, लेकिन अगर हमारे पास जूम ही हुआ तो हमको उस शक्ल में क्या करना चाहिए? हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट में जो हमने प्लॉट प्लॉट रखे वो बेचे उसको बिजनेस में लगाए, या फिर वो भी रखे और लोन मिले बगैर इंटरेस्ट का? देखिए, सवाल आपका बहुत वाज़ेह है कि कारोबार में क्या हम अपनी प्रॉपर्टी ही लगाएं या लोगों से पैसे लेकर के बतौर कर्ज, लोगों से या किसी से भी बतौर कर्ज पैसे लेकर के हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं? दोनों हालतें सही और दुरुस्त हैं। यानी अगर हम अपनी प्रॉपर्टी के ज़रिए ही से कारोबार को आगे बढ़ाते हैं, सही है। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ते लेकिन लोगों से ले करके हमने कारोबार की बुनियाद रख करके उसे आगे बढ़ाया, सही है। अगर दोनों को ले करके हम आगे बढ़ते हैं, सही है। एक चीज़ का अलबत्ता ख्याल रहे, कर्ज़ का अदा करना फ़र्ज़ है, कर्ज़ का अदा करना फ़र्ज़ है। और कर्ज़ के साथ मैत, कर्ज़ के साथ इंसान जब दुनिया से जाता है तो उसके मुआमलात जब तक कि अदा ना कर दिए जाएं, वो क़र्ज़, जाहिर सी बात है कि आखिरत में वहाँ नेकियों ही का सौदा होता है, और लोगों के जो हकूक़ हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ नहीं करता है, बल्कि बंदे को ख़ुद अदा करना पड़ता है, यहाँ अदा करें या वहाँ अदा करें। इसलिए कर्ज़ का मामला आसान नहीं है। ये हर शख्स ज़हन में रख कर के मुख्तसर कर्ज़ ले या बड़ा कर्ज़ ले, और उसकी अदायगी की शक्ल क्या हो, हमेशा ये सब चीज़ें ज़हन में रख कर के ही कोई मामला करे कि कर्ज़ क्या चीज़ है और कर्ज़ से पनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मांगते थे, वजह क्या थी कि बार बार आप पनाह मांग रहे हैं मिनल मासमी वल मगरम, गुनाह से और कर्ज़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की। पर आपने जो सवाल किया है उसका जवाब यही है कि ये जायज़ है। जो भी शक्ल आप अपनाते हैं इन तीनों में से, ये तीनों शक्लें जायज़ हैं। अगर अकेले कर्ज़ से कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं, जायज़ है। अगर अकेले अपनी प्रॉपर्टी से करना चाहते हैं, जायज़ है। अगर दोनों को मिला करके बढ़ाना चाहते हैं, सही और दुरुस्त हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है।